इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बात बताओ, मैं इतना जागता हूँ, इतनी कोशिश करता हूँ एक अच्छी वीडियो बनाने की आप सभी के लिए, बट फिर भी समझ नहीं आता, ना जाने क्यों वीडियोस को लोग देखते हैं, व्यूज आते हैं उस वीडियो पे, बट कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने जाता। ओवरऑल 100 में से सिर्फ 2% पीपल्स ऐसे हैं जो चैनल की वीडियोस देख के उसे सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों वो जो लाल बटन है उसके ऊपर चाहे तुम बाइक चढ़ा दो, पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, एटलीस्ट कम से कम मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज लगी है जो शायद मैं एक एक्सपेरिमेंट के तरीके से ले रहा हूँ, तो मैं भी जानना चाहूंगा कि एक्चुअली उस चीज से क्या बेनिफिट है, वो चीज क्या बेनिफिशियल है। तो जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं इसके टाइटल में कि ये लेमिनेशन कोटिंग है, इस तरीके की है, और जब मैंने इसका डेमोंस्ट्रेशन उस पर्सन से लिया था तो उसका ये कहना था आपकी बाइक की जो शाइन है या फिर आपकी किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी मटेरियल हो उसकी शाइन को काफी दिनों तक बरकरार रखती है। तो आज मैं इसका रिव्यू लेना चाहूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि सच है या फिर वो सिर्फ एज इट इज सिर्फ लोगों को फूल बनाते हैं या फिर उसका कोई और रीजन है जिस वजह से वो इस चीज को शौक बना के सेल करते हैं। वॉशिंग के लिए मैं एक सिंपल सा एक मेरा स्पंज है वो, और दूसरा मेरा मैं एक शैम्पू यूज करूंगा, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि कभी भी डिटर्जेंट यूज मत कीजिए अपने किसी भी व्हीकल पे, और जब आप उसको वॉश कर रहे हैं तो बेस्ट रहेगा जो उसके डाउन साइड्स एरियाज होते हैं उनको आप किसी ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से क्लीन कीजिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई डर्ट उस पर ना लगे, बिकॉज जिसका डाउन साइड एरिया होता है वही मेन उसका एक फेस होता है जिसे देख के समझ आता है कि बाइक एक्चुअल वॉश हुई है या नहीं। तो चलिए चलते हैं वॉशिंग की तरफ। वॉशिंग के लिए मैं एक नॉर्मल पाइप यूज कर रहा हूँ, और इसके आगे मेरे पास टनल थी बट मेरे पास पंप नहीं है, सीजन से मेरा किसी क्लीन कपड़े से उसको साफ कर देना है, और आप कोशिश करिए कि ये पूरे एरिया में फैले। तो चलिए और करते हैं इसको चारों तरफ स्प्रेड करने के लिए मैं एक स्पंज का यूज करूंगा। और ये रही मेरी जो लेमिनेशन कोटिंग है उसकी बॉटल, इसको मैं अच्छे तरीके से शेक कर लेता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने फाइनली इसका लेमिनेशन कोटिंग का काम कर दिया है, मैंने उसको स्प्रे करके क्लीन कर दिया है, तो मैं इसके बाद आपको रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक रबिंग पैड और एक वैक्स को यूज करके बाइक को क्लीन करने की वीडियो दिखाई थी, ये उससे अलग है, और मैं आपको इसके रिजल्ट दिखा देता हूँ किस तरीके के हैं। तो
देख सकते हैं आप, इसके जो रिजल्ट है इसके रिजल्ट उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, इस एरिया पे एक सुपीरियर इसने शाइन दी है, जितना मेरा मानना है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा शाइनियर है। और हो सकता है लाइट का इशू है इसलिए आप पूरा प्रॉपर ना देख पा रहे हो इसे, बट रियली में इसके रिजल्ट अमेजिंग है। इसके बाद कुछ और पार्ट्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों दरअसल कोटिंग को करे हुए अराउंड 3 दिन हो चुके हैं, और इस 3 दिनों के बीच में मैंने एक अभी जो कल हमारी बारिश हुई थी उस रीजन में आपको दिखाना चाहूँगा इसके इफ़ेक्ट 3 दिन बाद भी कैसे हैं। तो एक बार देख सकते हैं आप, जैसे इसकी शाइन थी सेम टू सेम वैसे ही बरकरार है, कोई खास बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एरिया पे मैं देख पा रहा हूँ थोड़ी बहुत डर्ट है, तो जैसे मैंने इसे क्लीन किया ये बिल्कुल सेम वैसी जैसे मेरे को पहले दिन इसको करने के बाद शाइन मिली थी वो मिल गई। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी डर्ट थी और ये गायब। अगर आप हाथ से भी इसे क्लीन करते हैं तो इसकी सेम टू सेम वैसी ही शाइन वापस आ जाती है। ये हमारा वो पोर्शन है, ये पोर्शन जैसे हो चुका था हमारा, और केमिकल या कुछ भी इसके ऊपर लगता है, मिट्टी लगती है, तो वो आप एक बार ही क्लीन करके ही साफ़ कर सकते हैं, आपको उन्हें रगड़ने की या पानी लगाने की दोबारा से ज़रूरत नहीं होती। तो रिजल्ट यही थे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और चीज़, इस ये जो कोटिंग है, इस कोटिंग को जो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन पर इसका वर्क अमेजिंग है, सीरियसली अमेजिंग है। तो इसको आप बॉडी पार्ट्स पर अगर यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, बाकी अदर पार्ट्स पे आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इतना ही दोस्तों, इसके साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएँ, जो लाल बटन है उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा दीजिए, अपनी बाइक अगर आपके पास हो, साइकिल भी हो तो उसको चढ़ा के उसके ऊपर से ले जाइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको नए अपडेट्स और दूसरी नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे, और नए वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन एज ए नोटिफिकेशन आए, जो उसकी नोटिफिकेशन भी पहले उसको ज़रूर जाके उस घंटे को ऑन करिएगा ताकि आपके पास और नए अपडेट्स आते रहें। वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।